तो हैदराबाद कांड के सड़क से सदन तक हंगामा क्या करने के बाद और उन तमाम सवालों के बाद एक सवाल यह भी है कि सिर्फ हैदराबाद का एक दृश्य नहीं है, वो घटना नहीं है, तमाम घटनाएं आज भी हुई और औसतन अगर हम देखें तो प्रतिदिन 92 रेप की घटनाएं हमारे देश में होती हैं आंकड़े के मुताबिक। एक तरफ जहां देश भर में लोग घटना के लिए सड़कों पर उतर गए कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, वहीं दूसरी तरफ संसद के दोनों सदनों में इस घटना पर जमकर निंदा भी हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए। हमारा सबके सामने आए और इसलिए इसका कोई जवाब देने का भी जवाब समाधान जवाब न्यायपालिका जवाब सरकारें जवाब हम सब लोग मिलकर इसका जवाब देना है और कोई विकल्प नहीं है। केवल कानून बनाने से ही काम नहीं होगा, ये सबको मालूम है। और सजा देने के बाद भी क्या हो रहा है हम लोग देख रहे, तो वो भी एक पहलू सामने आया। अपील मिर्सी, कैन एनीबडी थिंक ऑफ हैविंग मिर्सी टू सच पीपल। सदस्यों की भावनाओं का से अवगत हुआ और सभी मान्य सदस्य किसी भी दल के हों, लेकिन सभी मान्य सदस्यों का ऐसी घटनाएं ऐसे अपराध हम सबको चिंतित भी करते हैं और आहत भी करते हैं और भारत की संसद ऐसी घटनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रही है और सरकार ने भी इस विषय पर सभी राज्यों में और देश के अंदर भी किसी भी हिस्से में घटी घटना पर कठोर कार्रवाई हो ऐसा सदन को अवगत कराया है और हम सब भी किसी भी माँ बेटी के साथ ऐसे अपराध की एक स्वर से निंदा करते हैं। और सरकार ने कहा कि इस विषय पर अगर कहीं चर्चा करने की आवश्यकता होगी तो सारा सदन सहमत है, इस पर बीएससी के अंदर जब कभी बात होगी तो निश्चित रूप से चर्चा की जाएगी, लेकिन देश के किसी भी राज्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सदन चिंतित है और हम सब कोशिश करेंगे कि कठोर से कठोर कानून बनाए गए हैं और कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो जैसा सदन सहमत होगा हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो यह घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर संसार हुआ है, सभी आहत हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है वहीं पर यह भी अपेक्षा की है इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और आप भी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था। बहरहाल तो हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद पूरा देश गुस्से में, हर कोई उन हैवानों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। इस बीच देश की महिला नेताओं ने भी निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग उठाई है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि ऐसे अपराधियों को लोगों को सौंप देना चाहिए, जनता खुद इंसाफ करेगी। मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ, क्या वहां के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूं, आपको भी पता है, डू यू नॉट थिंक दैट दे शुड बी आंसर्ड, दे शुड बी क्वेश्चन्ड एंड दे शुड बी आस्क्ड टू गिव एन आंसर व्हाई दे वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, जहां पहले भी एक चीज एक दिन पहले हादसा हो चुका था। सर, आई थिंक दैट दीज पीपल नीड टू बी शेम्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर कंट्री, पीपल हु हैव नॉट डन देयर जॉब्स प्रॉपरली, द ऑफ कोर्स द गाइज हु हैव कमिटेड द क्राइम डेफिनेटली। राइट मैम, अगर ऐसा
इस तरह की चीजें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहां पब्लिक इसको इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर। आज देश सिर्फ हैदराबाद के ही नहीं, देश में सारे जनता जो है आक्रोश में है और ढंग रह गए देखते देखते। हम निसहाय हैं, हम देख रहे हैं हमारे बच्चे जा रही है, हमारे बच्चे हाथों से निकल गई है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस तरह की स्थिति क्यों? हम तो महिला दिवस मनाते हैं, सिर्फ महिला दिवस के लिए मनाना ये ठीक नहीं है। ऐसी घटना है जिसने पूरे भारतवर्ष को शर्मसार किया है और पूरे देश की आत्मा को झकझोरा है, पूरे देश की भावनाओं को आहत किया है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सबसे ज्यादा दुखद रहा जो राज्य सरकार का रवैया रहा, एक FIR करवाने के लिए पीड़ित परिवार के पक्षों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन का समय लगाया एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा करने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में बार बार दुष्कर्म और निर्मम हत्याओं की घटनाएं होती हैं और हर बार सदन इसी प्रकार चर्चा करता है, एक साथ एक आवाज में खड़ा होकर निंदा करता है और ये मांग करता है कि देश में महिलाओं का इस प्रकार से जो उनके प्रति अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण हो। मैं यही अपील करूंगी, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी टू द कंसर्न मिनिस्टर्स, टू एवरीबॉडी हु आर केपेबल ऑफ चेंजिंग इट, दैट प्लीज फॉर ऑल ऑफ अस मेक अ लॉ अगेंस्ट दिस रेप, अगेंस्ट दिस मोलेस्ट्रेशन सो स्ट्रॉन्ग। जो रेप करना तो दूर की बात है, कोई अगर लड़कियों की तरफ ऐसे देखे भी तो 10 बार सोच के। बहरहाल, तो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक में, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस में अभी तक लिंचिंग को लेकर राजनीति हो रही थी, वहां पर अब सदन में मांग उठी है कि लिंचिंग हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ देश में ऐसा होता है जनता के हवाले ऐसे दोषियों को कर दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या लिंचिंग की सजा से खत्म हो जाएंगी बलात्कार की घटनाएं? और सिर्फ एक घटना का यहां पर जिक्र नहीं है, उस निर्मम घटना के साथ साथ तमाम घटनाएं ये सवाल खड़े करती हैं कि आखिर क्यों हर बार इस तरीके की घटना और फिर उस पर राजनीति करने का मौका। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत कुछ इस तरीके का भी होता है जो सीधे तौर पर राजनीति है। बेटियां होती हैं, लेकिन तमाम घटनाएं दर्शाती हैं कि कई बार दलित के साथ घटना हो गई, मुस्लिम के साथ घटना हो गई, हिंदू के साथ घटना हो गई, इसमें बांटकर बलात्कार पर भी राजनीति चलती रही। ये कौन सा सामाजिक दायरा है, कौन सी सामाजिक सोच है? सख्त कानून के बावजूद आखिर क्यों रेप की घटनाएं नहीं थम रही और कितने सख्त कानून की जरूरत है, सवाल यह भी है। और क्या सजा में देरी से रेप अपराधियों के हौसले बुलंद है, यह अपने आप में बुनियादी सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आगे जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी नेता कांग्रेस के हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में, बहुत स्वागत है मनोज तिवारी आपका। अरविंद कठेरिया नेता सपा के हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है कठेरिया साहब आपका। सबसे पहले अरविंद कठेरिया, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, जया बच्चन अगर ये कहती हैं कि कुछ देशों में ऐसा होता है और हार्श है, लेकिन वो मांग कर रही हैं कि इस पर विचार किया जाए, लिंचिंग की घटना ऐसे में हो या जनता के हवाले कर दे, ये शब्द अगर मैं यूज करूं, ये कितना बेहतर विकल्प है? सर्वप्रथम मैं इंडिया न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहां बिठाया। देखिए, वो हमारी पार्टी की सीनियर नेता हैं और उनके अपने विचार हैं, मैं उनके विचारों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस देश में मात्र 12 घंटे के अंदर अंदर 10% आरक्षण लागू कर दिया जाता है, उस देश में महिलाओं के प्रति सरकार का ये रवैया निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे देश में, जिस देश में महिलाओं के प्रति साल में कम से कम 2 बार बेटी और कन्याओं की नवरात्रों में पूजा होती हो और उस देश में बच्चियों के और बेटियों के साथ ऐसी दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रियंका रेड्डी के माता पिता को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो धैर्य धारण करें, उनको हिम्मत दे, और राज्य सरकार का जो रवैया है बहुत ही निंदनीय है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जब उसकी छोटी बहन 10:20 पर थाने में पहुँच चुकी थी तो वहाँ के पुलिस का रवैया बहुत निष्क्रिय रहा, यदि वो समय पर ध्यान देते तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी। और मैं राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो महिलाओं के प्रति आज भी हमारे देश में
बुरा रवैया थम नहीं रहा है, उनके प्रति अत्याचार बढ़ रहे हैं, उस पर मात्र जिस तरह से आरक्षण लागू किया गया, 10% आरक्षण मात्र 12 घंटे में लागू किया गया, उसी तरह महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और मात्र 10 घंटे के अंदर अंदर संविधान के तहत अपने लोकसभा और राज्यसभा से पारित करा के इसके कानून बना दिया जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। कानून तो बना हुआ है कठेरिया साहब, और निर्भया के बाद और कानून कठोर हो गया था, अब कितने कानून और उससे क्या हो? देखिए कानून बना है, लेकिन जिस तरह से जुडिशरी हमारे देश की जुडिशरी काम करती है, उससे आज भी किसी भी व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था सरकार कायम करे कि एक महीने के अंतर्गत आप जुडिशरी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे मैं देश सवाल में नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन पेंडिंग है उसमें क्या जजेस की गलती है, उनके पास भी बर्डन बहुत है। आपने दो बातें कही जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आज मैं सबसे गुजारिश करूंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कि इस पूरी चर्चा को कोई पॉलिटिकल ना करे, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स यहां पर बैठकर करेंगे तो कोई एक ऐसा दल नहीं है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या अन्य कोई भी क्षेत्र पार्टी किसी राज्य की, जिस पर सवाल नहीं खड़े होंगे। आपने कहा कि जया बच्चन आपकी सीनियर नेता है, उनके बयान से आप सहमत हैं कि नहीं, मेरा पहला सवाल ये, और दूसरा कि जिस देश में 10 घंटे में आरक्षण पर लागू हो सकता है कानून, तो किस कानून की आप मांग कर रहे हैं, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो बिल आना चाहिए था उस पर क्यों आपकी खामोशी रही, आपका विरोध रहा? नहीं, महिलाओं के प्रति हमारी और हमारे नेताओं की, हमारे सरकार की हमेशा पॉजिटिव दिशा रही है, हमेशा महिलाओं के प्रति वो सही रवैया अपनाते हैं, और यदि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनके लिए, उनके कानून के लिए कोई बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे जो सीनियर नेता हैं उसको समर्थन जरूर करेंगे। कठेरिया साहब फिर से पूछ रहा हूँ, जया बच्चन ने जो सुझाव दिया है वो हमारे देश में लागू कर दिया जाए, जनता को सौंप दिया जाए, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो? देखिए आवेश में कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कह देता है, किंतु ये आवेश वाला बयान नहीं था, सदन में कोई आवेश में ऐसे नहीं बोलता है, अगर आवेश में बोलता है और गलत बोलता है तो उसको वहां से पटल से हटा दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाता है। लेकिन यदि आप सहमत नहीं, आप ये कह रहे हैं, यदि नहीं, वो हमसे बहुत सीनियर हैं और मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे, मैं तो एक सपा पार्टी समाजवादी समर्थक, नहीं मैं पार्टी का प्रवक्ता, मैं समाजवादी समर्थक है जी, समाजवादी समर्थक। आपकी सोच तो उनसे मिलती होगी, तभी तो चिंतक और समर्थक हैं आप। जी बिल्कुल, मैं सोच से क्या, मैं समाजवादी, कहां मिल रही है? आप कह रहे हैं कि उन्होंने आवेश में बोल दिया, सोच ही पार्टी में सोच में मिल रही है, समर्थक और चिंतक उनके प्रवक्ता से या उनके अपने विचार है, सीनियर लीडर से, उनके अपने विचार नहीं, पार्टी का एक विचार, उनके अपने विचार है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बहरहाल विडंबना यही है कि उनके अपने विचार है, ठीक उसी तरीके से जैसे मुंबई का शक्ति मिल कांड हुआ तो आपके पार्टी के प्रमुख नेता और हमारे देश के माननीय नेताजी, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और सदन में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिल लाना चाहिए, तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने उस दौर में विरोध किया था। ये है विचार या ये है आपस में तालमेल ना होना। तिवारी साहब क्या कहेंगे आप, यहां पर एक चर्चा फिर से वहीं उठी है, निर्भया के दौर में आप घिरे थे, मैं आज किसी को नहीं घेर रहा, किसी सरकार को, किसी पार्टी को, किसी नेता को, लेकिन सामाजिक सोच के बीच में जो विकृति आ चुकी है उसमें ऐसा सुझाव आया है कि हाँ हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं अगर कोई करता है, ऐसा दुष्कृत्य करता है, तो जनता को उसे सौंप दें। अतुल जी, जिस सभ्यता और संस्कृति को लेकर भारत को पूरी दुनिया में पूजा जाता है, आज इस विषय पर चर्चा के लिए ही हम शर्मिंदित हैं। एक बात मैं आपको कहता हूं कि जो अभी सरकारी डाटा है, 2017 से 1,40,000 केसेज रजिस्टर्ड हुए, जिसमें महज 5,000 केसों का निपटारा किया गया। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आवश्यक है सरकार और न्याय प्रक्रिया को समझने के लिए। 2018 में सिर्फ जो है 20,000 केसेज रजिस्टर्ड हुए, जिसमें अभी तक सिर्फ 3,000 केसों की सुनवाई हुई। 2019 का भी मामला ऐसा ही रहा, यानी कि क्रमवार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती रही हैं इस देश में। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आज समाज को और पूरे देश को, जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, इस पर गहनता से विचार करने की जरूरत है कि 2018 में कानूनी प्रक्रिया कहा गया, उसमें चेंजिंग लाई गई, कानून कठोर बनाए गए, उसके बावजूद भी निर्भया कांड के बाद
जब हमने ये शपथ लिया था कि हम कठोर कानून के तहत अविलंब कार्रवाई करेंगे, आखिर इसकी प्रक्रिया का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया? ये एक सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि आज डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का ही मामला नहीं है, प्रियंका रेड्डी के साथ साथ इस देश में और दो घटनाएं घट गई, उसी शहर में घटना हुई, लेकिन जो पुलिस का रोल रहा, पुलिस की क्रियाशीलता रही, वह प्रश्न खड़ा करती है कि आखिर पुलिस आम आदमी के बीच से ही जाती है, हमारी सोच इतनी विकृत क्यों होते जा रही है? दोषी किसको मानते हैं इसके लिए? मेरा सीधा सवाल देखिए, मैं आपने आंकड़े गिनाए हैं कि 2017 से अब तक आपने कहा कि हाँ क्रमवार ये बढ़ते चले गए, बिल्कुल मैं क्रियान्वयन को दोषी देता हूँ, सरकार की जो क्रियान्वयन पद्धति है उसको मैं दोषी मानता हूँ, पूरी ईमानदारी से, चाहे दल कोई भी। ठीक है, राजस्थान में गहलोत साहब चुनावी दौर में सत्ता में रहते हुए अगर मुकदमा न दर्ज करवाने दे, ये आरोप है पार्टियों का, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया था पुलिस ने एक सप्ताह तक, उस घटना के लिए कौन जवाबदेह होगा और किस पार्टी की वहां पर सरकार है उस पर भी आपको विचार करना होगा। फिर से मैं कहूंगा कोई पॉलिटिक्स यहां पर ना करे, वरना एक एक करके सबके लिए कुछ ना कुछ गिनाने का जरूर है यहां पर इस घटना में। हमारे साथ गौरव मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा आपका। ऋचा यादव है मनोवैज्ञानिक हमारे साथ, बहुत स्वागत है ऋचा आपका। अमित पांडे साहब वरिष्ठ पत्रकार भी है, बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका। और संतोष द्विवेदी जी पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है संतोष जी आपका। सबसे पहले गौरव मिश्रा, फिर से वही बात कि 14 के बाद, 17 के बाद और 19 में आपके रहते एक ऐसी घटना जवाबदेही बनती है। सवाल यह है कि आपके आने के बाद और पहले से जो कानून था और कठोर हो जाने के बाद भी वैसी ही घटनाएं और फिर वहां पर राजनीति का पूरा मौका। एक विचार आया है जया बच्चन की तरफ से कि अब हमारे देश में भी व्यवस्था वैसी करनी होगी जैसी कई और देशों में है, इस पर क्या कहना है आपका? अतुल जी, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस विषय को आपने आज उठाया है बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे दुनिया के लिए कि भारत में इस तरह के जघन्य अपराधों पर चर्चा हो रही है। हमारा वो देश रहा है जहां नारी की प्रतिष्ठा, नारी का सम्मान हमारे परिवार से जुड़ा रहा है, हमारे देश समाज से जुड़ा रहा है। आज ये समस्या, जैसा आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि इस विषय को लेकर के राजनीति करूँ। चाहे वो राम का काल हो, सीता हमारी प्रतिष्ठा थी, सम्मान थी, माता सीता के लिए युद्ध लड़ा गया, या फिर महाभारत का काल हो, सती द्रौपदी के लिए युद्ध लड़ा गया। आज जिस तरह से संवेदनशीलता नारी के प्रति घटती जा रही है, ये एक सामाजिक समस्या के रूप में उभर करके आई है, और जो संवेदना होनी चाहिए स्त्री के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, उसका ह्रास होना बहुत ही चिंताजनक है। रही बात कानून की, तो सिर्फ कानून बना देने से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है, या फिर किसी एक अपराधी को सजा दे देने से इस समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता, या उसकी लिंचिंग कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मणिपुर में भी ऐसे एक अपराधी को लिंच करके मारा गया था पब्लिक के द्वारा, नागपुर में मारा गया पीड़िता के पिता के द्वारा, दिल्ली में मारा गया पीड़िता के पिता के द्वारा। तो स्वाभाविक है, जब न्याय नहीं मिलेगा तो जो पीड़ित है वो किसी न किसी प्रकार से न्याय पाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये मुद्दा बहुत ही जघन्य है, हम तो ये कहेंगे, और इस पर हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, जिस तरह से बड़े बड़े और कड़े निर्णय लेने के लिए हमारी सरकार जानी जाती है। गौरव मिश्रा साहब, हर एक सरकार बहुत ही संवेदनशील होती है और कड़े और बड़े निर्णय ही लेती है, सिर्फ आपकी पार्टी की नहीं। और आपने कहा कि ज्वलंत मुद्दा है, ये ज्वलंत मुद्दा नहीं है, शर्मनाक मुद्दा है। और आपने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने कहा निर्भया कांड के दौर में इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी और ज्वलंत मुद्दा भी बनाया गया था, और वो भी स्वाभाविक था, बनाना भी चाहिए था। लेकिन कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के ऊपर भी अगर आरोप लगे और आप कहें कि हम सख्त हैं, सख्ती एक साल तक नहीं दिखी थी, तो स्वाभाविक है कि सवाल आप पर भी खड़े होंगे। ऋचा, मनोवैज्ञानिक है आप, यहां पर देखिए एक सुझाव आया है, बीजेपी कहती है कि नहीं, लिंचिंग एक रास्ता नहीं हो सकता, कम से कम हमारे लोकतांत्रिक देश में, हम तालिबान नहीं है। जया बच्चन की वो बात एक तरीके से बीजेपी खारिज कर रही, खुद उनकी पार्टी के जो चिंतक हैं वो कहते हैं कि सीनियर नेता वो हैं, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं, और साथ में अन्य दल भी इसी तरीके के सुझाव को या तो स्वीकार रहे या फिर सिरे से नकार रहे। सवाल यह है कि यहां दो सामाजिक सोच की बात है, दो सामाजिक पहलू की बात है, एक तरफ उन विकृत मानसिकता के लोगों के खिलाफ एक्शन, और एक्शन लेगा कौन? समाज लेगा, जनता लेगी, या कानून के रखवाले लेंगे, कानून बनाने वाले लेंगे? सोच में अंतर क्यों है?
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक मानसिक मनोवैज्ञानिक हूँ, तो मैं मन से मन की तरफ से देखना चाहूँगी इस चीज़ को जी। कि जो आपका मन होता है, जब आपकी मानसिकता है, संवेदना संवेदनशीलता यहाँ से जाती जा रही है। लोग बाग जो है गुस्सा हमेशा कमजोर पे उतारते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं कि चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य में औरतें हों या बच्चे हों, हमेशा ये मासूम लोग टारगेट किए जाते हैं। इट्स जस्ट अ सिंपल फार्मूला ऑफ पावर डिस्प्लेसमेंट। किसी को अपना, जब आप पावर फील करना चाहते हैं तो आप अपना डिस्प्लेसमेंट किसी कमजोर पे उतारते हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ, कड़े कानून बनाने चाहिए। कड़े कानून बनाने से ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन का एक तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट बिहेवियर। इससे जो है लोग बागों में जागरूकता फैलती है, उनको लगता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा चीज है जो हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, एक कालियुग की थ्योरी है, कालियुग ने ये चीज बताई है कि जो हमारे पीढ़ी दर जो हमारे रिवाज हैं या जो हमारी सोच है, वो जो बिलीव है, वो हमारे जो है बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में इनक्रेट हो जाते हैं। हम चाहे हम उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत सहमत रखती हूँ कि हमारा जो है भारत कभी जो है औरतों को पूजा करता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लोगों में संवेदनाशीलता जगाने की, उन्हें बताने की कि एक 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 इंसान को एक इंसान के तरीके से देखिए। आप जो है, अगर आप मनुष्य को भिन्न कर देते हैं, एक को पावरफुल बना देते हैं, एक को कमज़ोर बना देते हैं, तो आप अपने आप ही वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में आ ही जाएगा। कमज़ोर पे जो है गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा, उस पर पावर आजमाई जाएगी। और इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को आगे भी देखें, तो हम अपने जनरेशन को क्या दे रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि एक एक कमज़ोर पक्ष है। और एक अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीवी पे जो है फोटो देखी, जिसमें एक औरत को बिल्कुल मैला कुचला सा दिखाया गया है। अगर हम टीवी एड्स की बात करें, हम देखें हमारी सोसाइटी में किस तरीके से चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं। अगर हम एड्स देखें, एक एक डीओ का एड होता है कि एक आदमी अपने ऊपर डीओ छिड़कता है और चार लड़कियां उस पर चिपक जाती हैं। ये क्या मैसेज है, ये क्या बताना चाह रहे हैं? एक ठीक है ऋचा, मैं आपकी बात को समझ गया। यहाँ पर देखिए, मीडिया का भी अपना रोल है, सोसाइटी का भी अपना रोल है। सिर्फ सरकार सरकार में बैठे लोग, सरकार के साथ साथ प्रशासन प्रशासन में बैठे लोग, उनका ही दायित्व नहीं है। संतोष द्विवेदी साहब, आप चूंकि प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, कठेरिया साहब ने कहा कि दरअसल इसमें किसका रोल होना चाहिए और सुझाव पर उनके विचार क्या थे। तिवारी जी को भी आपने सुन लिया, आपने गौरव को भी सुन लिया और मनोवैज्ञानिक को भी सुन लिया। पुलिस का रोल, और पुलिस भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, हमारे ही बीच के लोग हैं जो कि पुलिस में काम करते हैं, एक उनका अपना रोल, वो हैदराबाद की घटना में हो या फिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जितने भी राज्य हैं वहां की तमाम घटनाएं, और आज की भी घटना जालौर की, जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत हुआ और बेल्ट से गला घोटकर उसको मार दिया गया। सवाल यह है कि हर बार घटना के बाद मुद्दा होता है, मुद्दा ज्वलंत होता है, कानून होता है, कानून कठोर हो जाता है और फिर से घटना, और ऐसी घटना का इंतजार होता है जिससे पूरा देश जुड़ जाए, जो कि इस बार हैदराबाद में सुर्खियों में आया। अतुल, इसके दो आयाम है। एक तो देखिए, एक बड़ा एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। निर्भया का कांड हुए, 7 वर्ष होने जा रहे हैं और अभी तक जो डेथ सेंटेंस हुआ था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। अलग अलग जो कानूनी पेच है, कानूनी प्रक्रिया है, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ के क्रिमिनल्स को भी मालूम है कि हम तो अपना जीवन ऐसे ही निकाल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं होगी, मैं अभी एक राज्यसभा में जो नेताजी अपना बयान दे रही थी, उससे सहमत नहीं हूं कि अपराधियों को जनता को सौंप दिया जाए और जनता उसको डील करे। लेकिन हमारे कानूनी प्रक्रिया को सरलीकृत करके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जब तक नहीं आप बना लेंगे और एक नियमबद्ध, एक समयबद्ध तरीके से नहीं चलेंगे, तो ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। देखिए, एक बेसिक सामाजिक कुरीति है, जैसा कि अभी हमारी साइकोलॉजिस्ट कह रही थी, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। ये वो राष्ट्र है जहां पर कहा जाता था यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां भगवान आते हैं, और उस स्थान पर इस प्रकार की घटनाएं, आप, मैं अभी आने से पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डिटेल्स देख रहा था, महिलाओं के प्रति जो अपराध हुए हैं
उनमें किस कदर वृद्धि होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है और इसको जब तक पूरा समाज मिलकर नहीं लड़ेगा, कोई चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, वो नहीं अकेले कुछ कर सकता। साथ में मैं कहूंगा कि इसमें एक बड़ा भारी लैप्स हुआ है। प्रदेश सरकार तेलंगाना की कह रही है कि साहब हमने एक्शन कर लिया, एक सब इंस्पेक्टर और दो कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। ये इसकी इतिश्री नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट तीसरे दिन बन जाता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वहीं पर तेलंगाना में 56 दिन में एक केस का जजमेंट आया था। 6 साल की मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, बड़ी नृशंस हत्या थी। लेकिन अभी वो भी जजमेंट आने के बाद अपील के बाद फर्दर अपील पे मामला लंबित है। हमको इसको एक सर्वसम्मति से विचार बनाना पड़ेगा। दूसरा, जैसा कि लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की चर्चा हुई है कि हमको नए सिरे से आईपीसी और सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे और बहुत सख्त नियम बनाने पड़ेंगे ताकि जो न्यायिक प्रक्रिया में विलंब हो रहा है वो समाप्त हो, बिल्कुल स्ट्रेटन। जैसे आप उदाहरण के लिए यही केस ले लीजिए, अहमद अली और उनके 3 एसोसिएट्स जो इस प्रकरण में पकड़े गए हैं, प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध हो गया है, लेकिन अब ये कानूनी प्रक्रिया इतनी है कि कोर्ट में ये केस महीनों चलेगा। आखिर क्या पूछा जाएगा कोर्ट में, क्या ताज्जुब है संतोष जी, ताज्जुब है पुलिस का जो रवैया था वो भी, उस पर भी हमें ताज्जुब है। और साथ में आपने कहा 3 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता है, वहां के मुख्यमंत्री 3 दिन बाद अगर जगेंगे तो सोचिए कि कितनी संवेदनशीलता है। और फिर वहां की राज्य सरकार गलत है, वहां की पुलिस गलत है, एक दूसरे पर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं और तमाम घटनाओं के बाद जितनी गति दिखानी चाहिए थी और अब तक उसमें वो सरलता आनी चाहिए थी कानून में, या फिर किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था में उनको ज्यादा लाभ मिल पाए, वो परिवार जो पीड़ित है उस पर काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अमित पांडे साहब, हमने कई बार चर्चा की प्रदेश की घटनाएं, अन्य राज्यों की घटनाएं, देश में दिल्ली जो कि राजधानी वहां की घटना, उनमें तमाम जो बातें निकल कर आई वो यही कि वो दोषी हैं, हम सही हैं, हम पाक साफ हैं। यहां पर पुलिस, न्यायपालिका, समाज तीनों पर तो सवाल है, मीडिया पर भी सवाल है, लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं अगर उनका ये विचार है और अब आया है, या इसके पहले उनके विचारों में आपस में मतभेद था, तो कौन बनाएगा कानून और कब बनेगा कानून? अतुल जी, कानून तो देखिए निर्भया कांड के बाद से एक इस पे सख्त कानून बना था और उस पे एक कानून भी बना, एक फंड का गठन भी हुआ और उसमें तमाम फंड्स की व्यवस्था भी की गई, राज्य सरकारों को उसको खर्च करने की, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एक जिम्मेदारी दी गई। किसी भी राज्य ने उस फंड का इस्तेमाल नहीं किया। इवन उत्तर प्रदेश ने भी करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है कि कहां कहां पर किस किस तरीके से थाने बनाने हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। देखिए, कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी इस मामले में वहां की दोषी है। पुलिस का रवैया जैसा कैप्टन साहब बता रहे थे वाकई बहुत शर्मनाक है, क्योंकि आज की डेट में जो 100 डायल सब जगह लागू है उसमें एक डिवाइस लगी हुई है कि अगर फोन पे उनके कॉल आता तो लोकेशन ट्रेस हो जाती और 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के अंदर वो ट्रेस कर सकते थे। लेकिन क्योंकि महिलाओं के मामले में जैसे ही उनके पास लड़की की कंप्लेंट जाती है, पुलिस का पहला रवैया होता है कि वो कहीं पार्टी में गई होगी, वो किसी से मिलने गई होगी, आ जाएगी, आप परेशान मत होइए। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये सब जगह देखने को मिलता है। और जैसा कि राज्यसभा में अभी जया जी ने बोला है, देखिए वो उन्होंने एक घटना को लेकर के बोला, एक नागालैंड में इस तरीके की घटना हुई थी, उस घटना में क्या हुआ कि पब्लिक ने जेल से निकाल करके लोग मार दिया और फिर वहां इत्तेफाक कहेंगे या संजोग कहेंगे कि कोई घटना दोबारा नहीं हुई। देखिए, कहीं ना कहीं अपराधियों में एक डर का भाव तो नहीं है, कानून से जिस प्रकार का डर होना चाहिए वो इस लेवल पे, इस स्तर पे लोगों के पास नहीं है। देखिए, इस तरीके के जहां भी लोग घटनाएं घट रही है वो निम्न स्तर के या नीचे वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। इन 70 सालों में जो एजुकेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को पूरे देश में प्रोवाइड करानी चाहिए थी, वो नहीं प्रोवाइड कराई है। आज की शिक्षा का अभाव, इसी वजह से इस तरीके के कृत्यों का हम लोग सामना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। इससे पूरा देश शर्मिंदा है, हम लोगों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, हर समय इस बात की चिंता लगी रहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति कब इस तरीके की घटना कर बैठेगा।
जब इस तरीके का समाज हो जाएगा। बिल्कुल अमित जी, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि हैदराबाद जैसा शहर, तेलंगाना का वो इलाका ऐसा नहीं है कि बहुत सुदूरवर्ती कोई इलाका, और वहां पर लगभग 10 बजे से भी पहले के वक्त में सरेआम इस तरीके की घटना हो जाए तो सुदूरवर्ती इलाकों में और बाकी अन्य अंचलों में क्या हाल होगा, कितनी घटनाएं, कैसी कैसी घटनाएं, और उस पर पुलिस का रवैया क्या होगा, सरकारों का रवैया क्या होगा, या वो घटनाएं सामने आती भी होंगी नहीं आती होंगी। कठेरिया साहब, अब बात ये, आपने गौरव को भी सुन लिया, बीजेपी के प्रवक्ता, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये एक विचार हो सकता है लेकिन संभव नहीं है कि इससे घटनाएं रुक जाए। आप भी यही कह रहे हैं कमोबेश, आपकी नेता ने जरूर कहा है। अब यहां पर सवाल यह कि महिला की सुरक्षा पहला मुद्दा और महिला को सशक्त कर देना उससे भी पहला मुद्दा होना चाहिए, उन दोनों पर विचार क्यों नहीं मेल खाते पार्टियों के, वो आपके हो या किसी और दल के हो, और अब आगे क्या, ताकि हम कानून ऐसा बनाएं जो अभी कठोर है वो और कठोर हो जाए, न्यायपालिका में ऐसी व्यवस्था हो ताकि वहां पर भी कोई विकल्प ना रहे कि मामला लंबित होता रहे, इस पर एक मत क्यों नहीं है? आदरणीय सिंह साहब, हमारे देश के लिए हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो पर्याप्त है। हमें ना तो कानून को कठोर करने की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे देश के जिम्मेदार लोग हैं यदि वो सही तरीके से कार्य करें तो कौन हमारा जिम्मेदार लोग हैं? जो भी देश के जो सरकारें हैं, हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, ये उसके लिए जिम्मेदार है और पूर्व सरकारें भी जिम्मेदार हैं। अब देखिए, आप आपको मैं बताता हूं कि ज्यादातर मतलब आप चाहते हैं ना तो कानून कठोर हो, जितना कठोर है उससे और लचक कर दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जो हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान है, पर्याप्त है। हमारे देश में सिर्फ इतना किया जाए, सशक्तिकरण का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। जिम्मेदार लोग ही अगर कहेंगे कि 33% आरक्षण पे हम विरोध करेंगे तो कौन करेगा? पहले मैं बोलने दो मुझे। नहीं, बोलिए आप, मैं पूछ रहा हूं, वापस से पूछ रहा हूं। जो जो महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम है, अभी नहीं कि उसका 5 साल तक मुकदमा चल रहा है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उसको विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में उस पर न्याय होना चाहिए। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जजों की बहुत सारी संख्या कम है, सरकार उस पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। यदि हमारे कार्य करने वाले जज नहीं होंगे तो न्याय कौन करेगा? आप बेसिक चीजें देखिए, हमारे यहाँ कोर्ट में जज क्यों नहीं है? न्याय कौन करेगा? इतने मुकदमे लंबित क्यों हैं? इसमें सोचने की बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारी सामाजिक ढांचा है, जो एक सेकंड, जो मेरा सवाल यह है कि माननीय जजेस का रोल तो तब शुरू होता है ना जब कोई घटना होती है और मामला कोर्ट में जाता है। जी, यहाँ घटना ना हो, ये ऐसी घटनाएं हैं जो ना हो, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए क्या कानून में संशोधन, संविधान में संशोधन, व्यवस्था में संशोधन, उसकी जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं? सिंह साहब, इसके लिए सबसे पहले हमारी मीडिया जिम्मेदार है। जो हमारी मीडिया अपने टीवी के माध्यम से बहुत सारी चीजें चलाती है, उनको, छोटे बच्चों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जाना चाहिए। सारी मीडिया, मीडिया गलत हो गई। और हमारी सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है। मीडिया गलत हो गई, जो हमारी व्यवस्था भी गलत हो, जो हमारी दलित माननीय गलत नहीं होंगे, जो हमारे, सुनिए, जो हमारे दलित वो कभी गलत नहीं होंगे, हमारे दलित बस्तियों में आपके नेता ये कहेंगे कि नहीं बच्चों से गलती हो जाती है, वो गलती नहीं, मीडिया गलत है। दलित बस्तियों में ठेके खोले जा रहे हैं, उनको बंद किया जाए, कानून की जरूरत नहीं है, बच्चों को कठोर कानून की जरूरत नहीं है, ये सपा का कहना है। अतुल जी, एक चीज मैं बताता हूँ, पूरे देश की मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितनी भी घटनाएं हिंदुस्तान में हुई है और जो भी संज्ञान में लिया गया है, चाहे सरकार किसी भी रही हो, अगर उस पर बहुत गहनता से विचार हुआ है और उसके खिलाफ कोई आंदोलन हुआ है तो वो देन मीडिया की है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो मामला है, जैसा कि हमारे पूर्व IAS पदाधिकारी ने बताया है, मैं उनकी बातों से इत्तफाक रखता हूं कि IPC की धारा में बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, उसका कारण है, हैदराबाद की जो घटना घटी उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। जब पुलिस आती है और पुलिस से यह कहा जाता है तो पुलिस स्पष्ट रूप में कहती है कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मेरा ये कहना है, घटना घटी और घटना के समय कोई भी पुलिस हो, पुलिस के महकमे में या पुलिस को यह दिमाग में होना चाहिए कि बहुत शर्मसार घटना है और पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो पहले से व्यवस्था कर दी है, 0 FIR दर्ज हो सकती है। ज्यूरिसडिक्शन का मामला जो पुलिस से करती है तो उनका टालम टोल का मामला है। नहीं, वो तो मैं वही अतुल जी मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि पुलिस की IPC में बदलाव होना चाहिए। तीसरी बात, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, घटना घटी और घटना घटने के बाद बार बार, जैसे निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद सरकार के द्वारा कानून में बदलाव लाए गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं,
जो स्पेशल फंड की व्यवस्था की गई, उस स्पेशल फंड से ये मांग की गई थी। आज तक हिंदुस्तान में बेहतरीन किस्म का कोई फॉरेंसिक लैब नहीं है ताकि त्वरित जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई की जा सके। आखिर इसका दोषी कौन है? इसका दोषी निश्चित रूप से सरकार है, क्रियान्वयन सरकार को करना है। बार बार ये जुडिशियरी को कहा जाता है, मेरे दिमाग में एक चीज है, 2019 सरकार तो वो भी ना जो आपकी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूं। राजनीति का विषय नहीं है ये, विषय है मानसिक बदलाव का। हिंदुस्तान में इतना कठोर कानून होना चाहिए कि इसका निपटारा महज 3 दिनों में होना चाहिए। ठीक है, गौरव मिश्रा, एक मिसाल दिखाई दी थी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के रहते घटना और उसके बाद फास्ट ट्रैक और उसके बाद न्यायपालिका की भूमिका भी सराहनीय थी, लेकिन आप पर भी सवाल है, राजनीतिक तौर पर नहीं लेकिन आपकी जिम्मेदारी के तौर पर। कांग्रेस के दौर में घटना होती है, कानून कठोर बनाया जाए आपकी मांग होती है, उसके बाद आप सरकार में आते हैं, आप राज्यों में छा जाते हैं, उसके बाद उस फंड का कितना इस्तेमाल केंद्र की तौर पर हो पाया, आपने दे दिया तो राज्य सरकारें कितना कर पाई, और अभी भी आप सरकार में और माननीय सदन ये कह रहा कि जो कुछ कहा जाएगा सदन का अगर एक स्वर होगा हम वो करने को तैयार है, तो क्या लिंचिंग सुझाव है यहां पर या कोई और विकल्प है आपके पास? अतुल जी, इस समस्या के अगर नेपथ्य में जाएंगे तो सिर्फ दंड का भय ही पर्याप्त नहीं है। अगर किसी आरोपी को दंड दे दिया जाए, ऐसे बहुत सारे आरोपी हैं जो निरपराध हैं और इन मामलों में फंसे हुए हैं, उस पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। दंड की व्यवस्था पारदर्शी हो, जल्दी हो, त्वरित कार्रवाई हो, और उसका भय भी होना चाहिए समाज के अंदर। लेकिन साथ ही साथ कुछ चाहिए, कहना चाहूंगा कि ये सवाल है ना, सेंसिटाइजेशन जो समाज से कह रहे हैं कि बहुत सारी घटनाएं और मुझे पता है कि बहुत सारी घटनाएं जहां पर गलत आरोप रहते हैं, लेकिन इस तरीके की जो घटना है, छोटी छोटी बच्चियां या फिर ऐसी घटना, इस पर होना चाहिए, ये होना चाहिए, कब तक होगा? नहीं, अतुल जी एक उदाहरण देना चाहेंगे, ऐसे देश में बहुत से क्षेत्र है जहां अभी भी महिलाओं के प्रति समाज का रवैया बहुत संवेदनशील है, बहुत स्ट्रांग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है भारत का, अभी भी वहां पे बहुत मजबूत है, वहां का समाज उबल जाता है अगर किसी बच्ची के साथ कोई अपराध हो जाए। आज हमारे समाज में जो बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहा है और जो संवेदनशीलता का ह्रास है, वो संस्कारों का जो ह्रास है, उसको भी पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा गौरव मिश्रा, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया उसकी सच्चाई बता देता हूँ। जिस नॉर्थ ईस्ट की आप बात कर रहे हैं ना, तो वहां मातृसत्तात्मक व्यवस्था अभी भी चलती है, बाकी अन्य जगहों पर पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, पुरुष समाज की प्रधानता चलती है, ये अंतर होता है। गौरव से कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं गौरव जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। अगर निर्भया कांड के बाद आरोपी को दंड दे दिया जाता तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह घटना दोबारा नहीं हो सकती थी? लोगों को डर होता। देखिए, दंड पालिका ही देगी ना, मैं सब पे सवाल उठा रहा हूं। मैंने क्या बोला, क्रियान्वयन का दोष तो कार्रवाई के बाद होती तो घटना के बाद तो आपको उसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सजा मिल जाती, एक मिसाल तो सवाल होता है। एक बात और है, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ, बालिका गृह कांड में इतना बड़ा कांड था, उसके बावजूद भी उस पर कोई जांच नहीं हुई और ना ही किसी, अगर जो लोग दोषी पाए गए उनको कोई दंड नहीं दिया गया, उनको लीपा पोती करके छोड़ दिया गया। क्या इस तरीके की सबकी अपनी भूमिका थी, निभा कोई नहीं पाया, इसलिए मैं मुझे उदाहरण के तौर पर वो याद दिलाना पड़ा। ऋचा यादव, सवाल ये है, अब यहाँ पर एक सुझाव आया जिस पर उस पार्टी के चिंतक या उस पार्टी के ना होकर दूसरी पार्टी के प्रवक्ता सभी ये कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद भी हमारे देश में लिंचिंग विकल्प नहीं है, वो चाहे रेप की घटना हो या बाकी अन्य घटनाएं जिस पर अभी से थोड़े दिन पहले तक लगातार राजनीति होती थी और होती रहेगी भविष्य में, लेकिन ऐसी घटना में क्या लिंचिंग एक विकल्प हो सकता है? जनता फैसला कर दे, ये सुझाव हो सकता है? देखिए, अगर मैं मानवता की बात करूं, ह्यूमैनिटी की बात करूं, तो लिंचिंग एक सुझाव तो मतलब मैं नहीं मानना चाहूंगी कि ये एक तरीका होगा इस चीज से निजात पाने का। अगर हम अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाना शुरू करें
कि हम देखें कि भाई हम भी अपने इस खूबसूरत देश का एक जो है छोटी इकाई है और हमारा भी एक एक कर्तव्य बनता है इसको कुछ प्रदान करने का। एक अगर हमारा देश जो है मानवता पे सबसे ऊंचे दर्ज माना जाता है, अगर आप लिंचिंग बताइए क्या ये मानवता के अंदर आता है कि नहीं आता है? लेकिन समस्या का समाधान तो नहीं होगा, अमानवीय कृत्य है उनके लिए आखिर क्या विकल्प ऊर्जा, ये भी तो सवाल है ना। इसके लिए सबसे जी जी बहुत जरूरी सवाल है ये। और आज मैं अपने आप को बहुत अहम मानती हूँ कि मैं यहाँ पर आके चर्चा पे विषय पे बात कर रही हूँ। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मैं मनोशक्ति के नाम से एक केंद्र चलाती हूँ और उस केंद्र में मेरा जो है सारा ध्यान ये रहता है कि मैं हर दिन और हर महीने एक वर्कशॉप करती हूँ और हर दिन मैं किसी ना किसी एक बच्चे को चाहे बड़े को जो है जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो है इमोशनल डिस्प्लेसमेंट। हमें बताया ही नहीं जाता है कि हमारे इमोशंस क्या हैं। हम अभी क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम सिर्फ अपराध के उधेड़बुन में लगे हुए हैं, हम मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं। जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन हमें बहुत ज़रूरी समझना है कि भाई ये क्यों हुआ है, इसकी जड़ें क्या हैं, ये कहाँ से उजागर हो रहा है, ये क्या है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इस तरीके की जो हीन घटनाएं हैं ये कहाँ से उजागर होती हैं, क्यों आती हैं हमारे उसमें। तो इसका सबसे बड़ी चीज़ है ये सबसे बड़ा है कि जो है लोग बाग जो है एक दूसरे के प्रति जो है ममता खो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो अपना जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। आप सड़कों पे चलते हैं कितनी बार ऐसा एक्सीडेंट होता है, लेकिन ऋचा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर सख्ती की भी जरूरत होती है, जागरूकता फैलाना, लोगों को प्रोत्साहित करना, समझाना, वो सारी चीजें हैं, लेकिन कई जगहों पर सख्ती की जरूरत होती है, खौफ भी होना चाहिए। सुझाव वहीं से निकल कर आया, खुद जया बच्चन ने कहा कि हार्श है लेकिन फिर भी मैं सुझाव दे रही हूँ। संतोष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, सवाल यहाँ पर यह है कि किन चीजों पर अब फोकस किया जाए जो अब तक निर्भया के बाद भी नहीं हुआ, और सदन का स्वर जो निकला है वहां पर भी अंतर आपको दिखाई देता है, तो क्या माने कि कितना बदलाव होगा और कौन करेगा बदलाव? अतुल, बदलाव तो सदैव जनता जनार्दन करती है, पहली चीज। जहां तक मॉब लिंचिंग की बात कही गई तो हमें संविधान को किनारे कर देना पड़ेगा। अगर आप भारतीय संविधान के मूल में जाएंगे तो हर व्यक्ति वो कानून से बंधा हुआ है और कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, राइट फ्रॉम डाउन टू टॉप। अब रह गया प्रश्न कि कानूनी प्रक्रिया को, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना सिंप्लीफाई करके कितना फास्ट ट्रैक पे लाया जाए कि इस प्रकार के जो चुनिंदा घटनाएं हैं उनमें हम कितना त्वरित न्याय दे सकते हैं, कितना क्विक डिस्पोजल कर सकते हैं, वही फर्क डालेगा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, ये एक सामाजिक कुरीति है, एक सोशल इविल है। जैसा हमारी साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई बता रही थी, वो मुझसे सहमत होंगी कि इसमें जब तक समाज की सहभागिता नहीं होगी तब तक न तो संविधान कुछ कर सकता है न हम आप बैठे हुए कुछ कर सकते हैं। इसमें सब लोगों को ये लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सर, देखिए वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, समाज को इस स्टेज पर भी सुधारना, जागरूक करना बहुत लंबी नहीं, बिल्कुल लंबी नहीं है। उस जैसा कि पांडे जी ने कहा, सही तरीके और समयबद्ध तरीके से निभाया जाए जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो कम से कम घटनाओं पर कुछ अवरोध तो लग सकता है। और इस तरीके की निर्मम घटनाएं, हालांकि मैं फिर से कहूं बलात्कार है, लेकिन इस तरीके की निर्मम घटनाओं पर शायद रोक लग पाए। अमित पांडे साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ले पाऊंगा, समय कम है। सवाल सिर्फ इतना है कि कानून बनाने वाले एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और विचारों की भिन्नता दिखाई देती है। इस बार सदन में एक सुझाव भी आया और साथ में उपसभापति से लेकर सभापति, वो सभी अगर ये कहें कि नहीं, जो इस सदन का एक स्वर होगा हम वो करने को तैयार है, माने कि हाँ वो दिखाई देगा या सिर्फ कुछ दिन की चर्चा और फिर बात वहीं खत्म होगी? नहीं, ये तो कुछ दिन के लिए ही दिखाई देगा, लेकिन ये सरकार जो है वो बहुत संवेदनशील है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जी इस मुद्दे पे सरकार बहुत गंभीर है और जो कानून बना है अगर उसका ठीक ढंग से पालन हो जाए, पुलिस जो है वो पहला मंदिर है, कोई भी अपराध होता है सबसे पहले पुलिस के पास व्यक्ति जाता है, अगर पुलिस वहां पर त्वरित कार्रवाई कर दे तो मुझे लगता है बहुत हद तक इस अपराध पे अंकुश लगाया जा सकता है। और खास करके महिलाओं के मामले में पुलिस को और संवेदनशील होना पड़ेगा।
हम सारे लोग समाज में जो निम्न वर्ग के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको भी कन्विंस करें, वो अपने घर में बच्चों को कुछ शिक्षित करें, और ये जो कुछ किताबें हैं जिसमें मैं नाम तो नहीं ले सकता ऐसा, लेकिन उसमें भी कुछ इस तरीके का जिक्र है, और अगर समाज में सारे लोग मिल करके एक इस कुछ एक मूवमेंट चलाएंगे, अभियान चलाएं, तो निश्चित ही इसका कुछ लाभ मिलेगा। देखिए महिलाओं के प्रति सबका सम्मान है, आज सदन से लेकर के और मुझे लगता है भारतवर्ष में सब जगह इस बात पे चर्चा है, सब लोग बहुत दुखी हैं, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, सब अपने बच्चों को लेकर के अपने परिवार को लेकर के भयभीत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अगर कानून थोड़ा सख्त हो जाएगा, पुलिस और प्रॉपर तरीके से काम करेगी, तो इस पे अंकुश लग सकता है। लेकिन अमित पांडे जी, विडंबना ये है ना कि हमारे देश में समाज भी तब जागता है जब घटना हो जाती है, हो सकता है कि यही उनका अधिकार हो या उनकी मजबूरी हो या फिर उनको तभी जगना आता हो, कैंडल लेकर निकलना आता हो, और हमारे समाज के बीच में हमारे देश में जो नेतागिरी है और जो राजनीति है वो भी बांट कर अगर राजनीति करेगी, रेप की घटनाओं पर भी कि नहीं कठुआ वाले पर हम बोलेंगे और हैदराबाद वाले पर हम नहीं बोलेंगे, या निर्भय वाले पर बोलेंगे और प्रियंका वाले पर नहीं बोलेंगे, तो फिर आखिर कौन जागरूक करेगा और कब कौन जागरूक होगा? कटेरिया साहब फाइनल कमेंट, और एक मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं मात्र। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि चिंतन यहां पर होना चाहिए, चिंतन बहुत हो चुका, आपकी नेता ने सुझाव दिया, आप कहते हैं उनका व्यक्तिगत विचार है, तो फिर एक मत क्या होगा? और कानून तो बना हुआ है, आपने कहा संविधान में बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ संशोधन की भी जरूरत है, वो क्या हो सकता है जो अब तक नहीं हो पाया? अतुल जी, हमारे देश के लिए संविधान पर्याप्त है, लेकिन जो हमारे केसेस होते हैं, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, उनके प्रति गंदी हरकतें हो रही हैं, सबसे पहले हमें सामाजिक व्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो कि दलित बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, झुग्गियों में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हमारी सरकार ने बांट लिया दलित, हमारी सरकार गंभीर क्यों नहीं है? दलित बस्तियां आज शराब के ठेके क्या दलित बस्तियों में ही खोले जा रहे हैं? जी जी, आ गए आप आखिरी में घूमकर दलित की राजनीति करने, गरीबी को दूर करने का प्रयास, दलित की राजनीति आपने शुरू कर दी, क्योंकि आपको अम्बेडकर का परिनिर्वाण मनाना है, बच्चा बर्बाद हो रहा है। नहीं, गरीब का बच्चा बोलिए ना, बच्चा बच्चा होता है, बिल्कुल। आप दलित के उसमें आप ये शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, कहां से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? अभी अचानक से बैठे बैठे आज भी गरीब, अम्बेडकर अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस आपको मनाना, इसलिए आपको दलित के बच्चों का याद जिक्र होने लगा? सरकार जागरूक नहीं, कौन सी सरकार, कौन सी सरकार? आपकी नेता को, अगर आपकी नेता को ये पता है कि संविधान में पर्याप्त व्यवस्था है, तो क्यों कह रही है संविधान से इतर बातें? इस देश में लिंचिंग होगी, संविधान की, हमारा देश का संविधान पर्याप्त? जया बच्चन को नहीं पता ये बात, हमारा देश का, आपकी आपकी पार्टी के सीनियर लीडर को ये बात नहीं पता है? मैं टिप्पणी नहीं करना, क्यों नहीं कर सकते? पूरी सरकार पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, अपने सीनियर लीडर पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा चिंतन कर रहे हैं आप? कौन सा मंथन कर रहे हैं आप? कैसे न्याय मिलेगा संविधान से ऊपर जाकर? जो संविधान, संविधान से ऊपर जाकर न्याय मिलेगा? संविधान में सब कुछ दिया गया है, चिंतन होगा? अतुल जी, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, मेरे तरफ से एक सुझाव है, सबसे पहले न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाते हुए त्वरित कार्रवाई करने की व्यवस्था की जाए, बिल्कुल। दूसरी बात है कि विमेंस ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जाए, एक विमेंस ट्रिब्यूनल बनाया जाए हिंदुस्तान में, ताकि महिलाओं के आत्मरक्षा और महिलाओं के शोषण को बचाया जा सके। और तीसरी बात है कि जो भी घटनाएं होती हैं, उस घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए सरकार अपने क्रियान्वयन की प्रक्रिया को भी अविलंब करे, हर सरकार, वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीति। गौरव मिश्रा, आपने ऐसा बहुत कुछ किया जो कि शायद कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, उस पर राजनीति भी हुई, वो आपके संकल्प पत्र में था। इस देश में महिला की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और आप पर भी आरोप है, बाकी पर आप आरोप लगाएंगे राजनीतिक तौर पर। महिलाओं को सदन के अंदर सशक्त कर दीजिए, वो अपने लिए कुछ और खास व्यवस्थाएं कर लेंगी, यही कर दीजिए। कितनी इतनी उम्मीद तो आपसे है, पहले तो नहीं हो पाया। अतुल जी, सरकार के तरफ से ये सरकार ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार है कि किसी भी प्रकार के स्टेप को लेने में पीछे नहीं हटेगी। गौरव मिश्रा, फिर से मैं कहूंगा, सारी सरकारें दृढ़ इच्छा शक्ति की होती है, आपकी इच्छा शक्ति इसमें कब आएगी, दिखाई देगी, ये बता दीजिए। क्योंकि लिंचिंग तो विकल्प नहीं हो सकता इस देश में, वो चाहे किसी भी तरह की लिंचिंग हो, वो संविधान हमारी जो मूल भावना है उससे ही अलग है। गौरव मिश्रा जी, आवाज नहीं आई आपकी।
मिश्रा जी इतना ही सवाल था कि वो बिल जिसकी मैं चर्चा बार बार कर रहा हूं, सदन में सहभागिता उनकी बढ़ाना एक विकल्प नहीं है, फिक्स कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, वो अपने आप कुछ न कुछ कर लेंगी, ये कदम कब उठाएगी आपकी सरकार? सशक्तिकरण एक विषय है, एम्प्लॉयमेंट दूसरा विषय है, और समाज में जेंडर सेंसिटाइजेशन एक विषय है। बिना समाज के सेंसिटाइजेशन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। माफी चाहेंगे आवाज। मतलब आप बिल पर अभी भी बोलेंगे नहीं और संस्कृति आप पढ़ाएंगे उस देश में जहां पर पहले ही हमारी पहचान संस्कृति है, वो अलग बात है कि कलयुग के दौर में दिनों दिन पहचान तो खोती चली जा रही है। माननीय लोग अभी भी एक सुर में नहीं बोल रहे। एक पार्टी के सीनियर लीडर आज वो सुझाव दे रही है जिसको कल तक वो खुद ही खारिज करती थी। दूसरे अन्य मुद्दों पर अगर लिंचिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल होता था तो फिर वहां पर ऐसी घटनाएं होंगी, बार बार होंगी, ये कटु सत्य है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। माफी चाहूंगा ऋचा संतोष जी और अमित पांडे, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा आपका, ऋचा यादव आपका, अमित पांडे आपका, संतोष जी आपका, मनोज तिवारी आपका, अरविंद कठेरिया आपका। तो प्रियंका रेड्डी के साथ की घटना की बात नहीं, उस बच्ची की घटना, या फिर कहें कि देश और देश के तमाम कोने से जो घटनाएं आ रही हैं उससे एक चीज तो निकल कर आ रही कि क्राइम महिलाओं के प्रति बढ़ता चला जा रहा, बच्चियों पर खासतौर पर इस वक्त कोप लगातार बढ़ रहा है या फिर उनके खिलाफ लगातार इस तरीके के दुष्कृत्य की घटनाएं बढ़ रही है। लेकिन ना तो कानून के रखवाले और ना ही कानून बनाने वाले इस पर एकमत हो पा रहा है, और जितना वो एकमत हो पाए हैं उसका फिलहाल कोई असर नहीं दिखाई देता है। वो अलग बात है कि इसमें सबसे बड़ा दोष समाज का भी है। नमस्कार।